मॉर्निंग गाइस, सुबह के 6 बज गए हैं और मम्मी आ गई, यही आ गई है मुझे उठाने के लिए। बोलो बोलो बोलो। और तक्षु भी उठ चुका है, इसी ने मुझे सबसे पहले उठाया। अभी मैं जा रही हूँ अपनी ड्रेसेस फिटिंग कराने के लिए और मिलते हैं थोड़ी देर में, रेडी हो जाती हूँ तब तक मैं। और मुझे अपने बेबी को भी रेडी करना है जो कि बहुत सतान है, इसको पता है जाना है तो ये ऐसे लेटा रहेगा, तो लेटे लेटे तैयार करना पड़ेगा। तो अभी मैं जा रही हूँ अपने ड्रेसेस फिटिंग कराने, बिकॉज मुझे 2 से 3 ड्रेसेस मैंने दी हुई थी ऑलरेडी दी को, और अभी मुझे 2-3 ड्रेसेस और देनी है फिटिंग कराने के लिए, बिकॉज 17 अप्रैल की मेरी सिस्टर की मैरिज है और मुझे उसके लिए बहुत सुंदर लगना है, और मैंने सुंदर सुंदर ड्रेसेस भी ली हुई हैं। सो मैं तैयारी में लगी हुई हूँ और अभी मैं थोड़ी देर में वहाँ जाऊँगी, फिटिंग लेके आऊँगी, एंड बेबी को भी थोड़ा सा ड्रेसेस दिलवानी है। तो अभी वो आज मैं करने वाली नहीं हूँ, वो किसी और का प्लान बनाऊँगी, क्योंकि अभी 3 बज गया है, मार्केट जाने में, वहाँ पहुँचने में, वहाँ सेलेक्ट करने में टाइम लग जाता है, राइट। तो फिर मिलते हैं। मेरा बेबी रेडी हो गया है और इसको फिर से जल्दी हो गई है जाने के लिए, बाय कर दो, बोलो फिर मिलेंगे। चलते हैं हम लोग और फिर वहाँ पे फिटिंग कराने, बिकॉज लेट हो जाएगा, टाइम हो रहा है, 4 ही बजने वाले हैं और उसको भी जल्दी हो गई है। सो मिलते हैं फिर, बाय। चलो 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 फटाफट, चलो फटाफट। देखिए गंदे बच्चों को कितनी सतानी कर रही है। फाइनली यहाँ का काम कंप्लीट हो चुका है, फिटिंग वगैरह का, अब हम जा रहे हैं घर की तरफ। लगी बाबू अभी हाउने मारा आपको, कैसे मारा चल पी आओ ने अंत करती उधर से मारा। फाइनली हम घर की तरफ आ गए हैं अपना काम निपटा के, और अब हम अंदर जाएंगे, कपड़े चेंज करेंगे, है ना तक्षु? हम घास काटने, क्योंकि गाय के खाने का समय हो गया है, तो उनको चारा बना के देना होता है, घास को कट करना होता है, वो कैसे करते हैं उनको बताती हूँ। तो तक्षु चले, चलो चलो तक्षु चले। आगे बढ़ रही हूँ मैं, और चलो आओ जाओ कक्षो, कक्षो आओ जल्दी जल्दी आओ, बाहर निकलो। तो ना सबसे पहले घास करने के लिए क्या होता है कि पहाड़ी में गाजा कहते हैं, हम लोग उत्तराखंडी हैं तो मैं हिंदी में तो नहीं जानते हैं क्या कहते हैं, पर पहाड़ी में गाजा कहते हैं। देखिए गाइस, ये ऐसा कपड़ा होता है, ये घास वाला ही कपड़ा होता है, इसको बिछाते हैं नीचे, तब इसके ऊपर घास काटी जाती है। देखिए तक्षु भी कितना एक्साइटेड हो रहा है, आओ तक्षु जल्दी आओ, भाग के आओ, घास काटेंगे, जल्दी आओ तक्षु, आ जाओ। तो हम कट करेंगे ये वाली मशीन में, इसके अंदर से घास डालते हैं यहाँ पे, इस अंदर से घास डालने के बाद यहाँ से घास आएगी। अभी मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह से होता है, ये घास काटने वाली मशीन होती है, इससे हम चारा बनाते हैं। और ये हमारी नानी टहल रही है, नानी हेलो बोलो, हेलो, हाँ नानी टहल रही है, और हमारी मदर इन लॉ यानी हमारी सासू माँ चाय पी रही है। जब देखो मुझे चाय मांगते रहती, मैं चाय बना बना के थक जाती। अब मैं आपको बताऊंगी घास कैसे काटी जाती है, जैसे मैंने अपने पिछले ब्लॉग में दिखाया था। अब देखिए यहाँ से घास डाल रहे हैं और यहाँ से घुमाने के बाद दादी माँ घास दादी माँ चलेगी, अब यहाँ से कटेगा तो ये गाय के लिए चारा बनेगा खाने के लिए। आप इतनी भाजी का बर्फ चलो तक्षु का काम है, किचन में खाना बना रही हूँ अभी, और ये तक्षु रोटियाँ दे रहा है, लगता है ये रोटियाँ खिला के मानेगा। तक्षु आप क्या कर रहे हो, काम कर रहे हो, सुना तो बोल, हीरा बोल, बोलो सुनाओ, बोल हीरा बोल वाला गाना सुना दो, सुना दो बेटा। बोल हीरा बोल क्या छ तेरो मन में, बोल दो, बोया
फिर क्या अच्छा तेरो मन में, बोल तो, बोलो तो, हाँ फिर उठ जाओ। सो गया है अब तक सोने के बाद। अभी मेरी इस बॉक्स में नजर पड़ी, ये बॉक्स जो है इमली का है, मुझे इमली बहुत ज्यादा पसंद है तो इसलिए मैं अपने पास ऑलरेडी रखती हूँ, क्योंकि मैं खट्टा ज्यादा पसंद करती हूँ मीठे के अकॉर्डिंग। तो ये जो इमली है ये खट्टी मीठी इमली, ये बहुत ही टेस्टी लगती है मेरे को। मैं मॉर्निंग में भी, दिन में भी और शाम को भी एक एक इमली जरूर लेती हूँ, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। और आपको जान के हैरानी होगी कि मेरे हस्बैंड को भी बहुत अच्छी लगती है इमली, तो जब भी उनको मौका लगता है वो भी मेरे साथ खाना शुरू कर देते हैं। हालांकि मैं इनसे बात अभी नहीं कर रही हूँ, मैं किसी बात से इनसे गुस्सा हूँ और वो मैं आपको कल के ब्लॉग में बताऊँगी कि मैं क्यों गुस्सा हूँ इनसे। और छोड़िए, मैं उनसे बात नहीं कर रही हूँ, मैं अपनी इमली खाने में ध्यान देती हूँ। तो आप मेरे इमली का बॉक्स भी मत पकड़ो, मैं अपनी चीजें उन्हीं को शेयर करूंगी जो मुझसे बात करेंगे। एरे गेरो को नहीं। बहुत टेस्टी मुझे, बहुत टेस्टी। कुछ लोग इतने लालची होते हैं कि बात नहीं कर रहे होते हैं उसके बाद भी इमली खा रहे हैं, और खाने में बिल्कुल शर्म भी नहीं आ रही है। मेरी लाई हुई इमली खुद खा रहे हैं। कुछ लोग बड़े बेशरम होते हैं। मेरा राजा बेटा भी सो गया है फाइनली, बहुत शैतानी करता है दिन भर, थक जाता है, सो जाता है, सुबह जल्दी उठ जाएगा, ये 5 बजे से मुझे उठाना शुरू कर देता है। इन जनाब के तो क्या कहने, कुछ भी बोल दो, कुछ भी कर दो, बेशरमों की तरह खाए चले जाते हैं। और ऐसे खा रहे जैसे आज के बाद इनको कभी खाना ही नहीं मिलेगा। अब मेरे इमली का बॉक्स कम्प्लीटली खाली हो गया है, तो ये लास्ट इमली है मेरी, एंड इसके बाद अब हम डिनर करेंगे। फाइनली खाने के लिए मैं रेडी हो गई हूँ, और खाना खाने के बाद सो जाना है बिकॉज सुबह जल्दी उठना होता है। और खाने में बनी है आलू मटर की सब्जी, आलू मटर को भी मिक्स वेज है, और चावल की टेस्टी खीर। खीर मुझे थोड़ा कम पसंद है तो मैं थोड़ा बहुत खा रही हूँ क्योंकि घर में बनी है इसलिए। और टेस्टी लस्सी, लस्सी तो मेरी फेवरेट है, बहुत टेस्टी है। गाइस अब मेरे सोने का समय हो गया है, वीडियो एडिटिंग में थोड़ा टाइम लग गया था मुझे, सो कल मिलते हैं बिकॉज कल मुझे आलू के चिप्स भी बनाने हैं, मैं अपनी दीदी के साथ बनाऊंगी वो वाला व्लॉग, मैं कल डालूंगी तो कल ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करिएगा, जितना हो सके फैला दो वीडियो को। और आप जितना ज़्यादा लाइक करोगे, कमेंट करोगे, शेयर करोगे वीडियो को, उतनी ज़्यादा मोटिवेशन मुझे मिलती रहेगी, और भी वीडियो में मैं अपडेट करती रहूँगी। कोई भी आपको दिक्कत होती है, आपको लगता है कि वीडियो अच्छी नहीं है या अच्छी लग रही है, वो अपडेट मुझे देती रहिएगा, क्योंकि आप ही के अपडेशन से मैं इम्प्रूव होंगी। एंड तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में आलू के चिप्स के साथ, होली की तैयारी के साथ। सो बाय, गुड नाइट, टेक केयर।